दुनिया मतलब में है। तो इंसान मतलब में रहता है, मतलब क्योंकि आजकल घर घर में देखा है तो घर घर में आजकल फूट पड़ी हुई है, फूट फूट। और जब से जब फूट भारत देश में आई है तब से घर घर में फूट हो गई है। मेरा तो एक ही कहना है, कौन सा, कि तजो आपस की फूट और अब तो मेल बना लो तजोया। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश जिस महान मूर्ति थी वो अब इस दुनिया में है नहीं। बताया उन्होंने तजोआ पत की फूट अब तो मेल बढ़ा लो तजो। अगर फूट दशरथ और कैकेयी में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। ध्यान देना, वैसे तो लिखा तो किसी विद्वान ने, लिखने वाले ने ये लिखा है कि गलत के साथ गलत बन जाओ। अगर कोई तुम्हारे तमाचा मारे तो तुम उसके गोली मार दो, लिखने वाले ने लिखा है। लेकिन उससे बुद्धि से एक बात नहीं सोची, कौन कौन कि खून का लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। खून से लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। अगर नमक से अगर नमक को खाओ नहीं खा सकते। मेरा मतलब है लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आग यार गांव को जलाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ पंचायत करे, पंचायत करेगी या पंचन में बट जाएगी। Yeah.
चले मेरे को खाएगी और रखवाली करेगी। कैसी नींद सनी मत सोवे जो नावतरी पार के कबू न जाएगी। इसलिए कजो आप सकी भूत अब तो प्रेम करा तो कजो आप सकी भूत अब तो प्रेम बढ़ा लो कजो याद रखना साथियों कुछ नहीं है। घर घर में बेदन है, घर घर में कले है। और देखो एक बात और बताऊंगा, कलेश उसी घर में होगी जिस घर में सुमति नहीं होगी। सुमति, सुमति का मतलब होता है एकता। एकता हमारे वीर पुरुष भारत देश की हस्ती ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए। लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाबा साहब बहुत अच्छे हुए। उन्होंने भी एक ही बात कही, एकता बना के रखो, एक बन के रहो, शिक्षित बनाओ, संघर्ष करो। लेकिन एकता तो नहीं है, शिक्षित तो है। फूट में कुछ नहीं रखा है भैया, क्योंकि स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ये कहते थे। और खैर हमारी औकात का है कि जो आजकल जितने भी कथावाचक हैं वो लोग सब लकीर के फकीर हैं। और हम क्षमा चाहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम भाई हम स्वयं गा रहे हैं, हम अपनी चीज नहीं गा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है।